बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और उसमें हमने ये देखा था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दो बुनियादी रूल्स थे। वंस अगेन पहला रूल ये था कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक है जी। और मैंने ये कहा था कि पूरे ग्रामेटिकल जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनमें से तीन ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, और वो हैं तीन चीज़ें कौन कौन सी, नाउन सिंगुलर प्लूरल होते हैं, प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल होते हैं और वर्ब सिंगुलर प्लूरल होते हैं। अगर इन तीनों के सिंगुलर प्लूरल हम समझ लें तो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में गलती नहीं करेंगे। आगे तो हमने यही करना है कि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगा देना है और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगा देना है। चलिए जी देखते हैं कि कैसे इनकी सिंगुलर प्लूरल जो है ये कैसे होते हैं। नाउन को आमतौर पर आप जानते हैं, तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि नाउन में हम आमतौर पर ये करते हैं कि नाउन मौजूद होते हैं उनके साथ हम एस ई एस या आई ई एस लगा के हम उनको प्लूरल बना देते हैं। मिसाल के तौर पर बॉय लिखा हुआ है तो हमने उसके साथ एस लगा दिया, बॉयज़ बना दिया। इसी तरीके से हमने जनाब मैंगो लिखा हुआ है तो उसके साथ हमने ई एस लगाया, ये मैंगो है, ई एस लगाया, यहाँ पे इसको प्लूरल बना दिया, इसका प्लूरल हो गया। या फिर हमने बेबी लिखा हुआ है तो उसके हमने जब बेबीज़ बनाया तो वाई हटाया तो आई एस लगा दिया। तो हम आमतौर पर समझते हैं कि नाउन में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनको हमने जब प्लूरल बनाना हो तो वहाँ हम एस ई एस और आई एस लगा देते हैं तो ये प्लूरल बन जाता है, ठीक हो गई बात, चले बात क्लियर हो गई। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एस या ई एस या आई ई एस लगा के ही वो प्लूरल बने। मिसाल के तौर पर मैन की प्लूरल जब बनाते हैं तो मैन बना देते हैं, हम यहाँ वॉल चेंज कर देते हैं। चाइल्ड के जब प्लूरल बनाते हैं चिल्ड्रन बनाते हैं, तो ये वो देन में भी रखे। बहरहाल एक बात तय हो गई कि नाउन वो वर्ड्स हैं जिनमें सिंगुलर और प्लूरल बनाए जा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो एग्जाम्पल होगी उसकी जी। अब देखें कि जी प्रोनाउन में सिंगुलर प्लूरल किस तरह होते हैं, ये भी ज़रा देख लेते हैं ताकि हम सिंगुलर प्लूरल लगा सकें जी। तो आपको पता है कि जनाब अगर सिंगुलर ही है और तो इसका प्लूरल हम क्या यूज़ करते हैं, दे, ऐसे ही करते हैं ना। बहुत सारे लड़के वहाँ पे मौजूद हैं तो हम कहते हैं दे आर प्लेइंग, तो उनके लिए प्लूरल फॉर्म दे यूज़ करते हैं। इसी तरह शी के लिए प्लूरल फॉर्म क्या, वंस अगेन दे यूज़ करेंगे। इसी तरीके से इट, ये टेबल शेबल बहुत सारे पड़े हुए हैं तो हम कहते हैं दे आर देयर, क्या जो टेबल वहाँ पे हैं, तो इनके लिए भी हम दे ही यूज़ करते हैं, प्लूरल फॉर्म इनके भी लिए यूज़ करते हैं। इसी तरीके से सिंगुलर के लिए आई यूज़ करते हैं तो जनाब प्लूरल के हम वही यूज़ कर लेते हैं। और यू जो है वो दोनों तरफ इक्वल होता है, वो सिंगुलर के भी इस्तेमाल होता है, वो प्लूरल के लिए भी यूज़ होता है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये सिंगुलर है इसके ये प्लूरल है, तो ये आप देख लें कि ये यानी कि प्रोनाउन में भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं। ये कोई नई बात नहीं मैं कर रहा, आपके सामने बिल्कुल मौजूद है, सिंगुलर प्लूरल प्रोनाउन में भी मौजूद होते हैं, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ जो कि बड़ा अहम है, वो है जी आपके वर्ब के सिंगुलर प्लूरल कैसे होते हैं। ये बड़ी नई बात होगी आपके लिए कि यार वो उसकी फॉर्म्स तो सुनी है लेकिन सिंगुलर प्लूरल नहीं हमने सुने। वो क्या होता है, किसी भी वर्ब को जो सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ हुआ है हमें कैसे पता चलता है कि ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल हुआ है या प्लूरल के लिए इस्तेमाल हुआ। जिस तरह नाउन में हम एस ई एस या आई ई एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, ये प्लूरल की निशानी होती है, हम इसको प्लूरल के तौर पर समझते हैं। बिल्कुल वर्ब के तौर पर जब देखना हो तो जिसके साथ एस लगा हो, ई एस लगा हो, तो वहाँ पे आप समझ लें कि ये जैसे ये प्लूरल होता है वो सिंगुलर होता है, बिल्कुल इसके उलट। मिसाल के तौर पर ये बात मिसाल से मैं जाहिर करता हूँ, आप ज़रा देखिएगा। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है कि ही गोज़ आर गो, आगे लिखा हुआ है टू स्कूल, वो कहते हैं चलें जी आप बताइए क्या आना चाहिए। हमने रूल के तहत पढ़ा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, यही आएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो ही है, ही का नाउन प्रोनाउन का सिंगुलर प्लूरल पढ़ लिया था, ही सिंगुलर है, चले टाइम हो गया, ये सिंगुलर है जी, एस पता चल गया। अब वर्ब इसके साथ सिंगुलर आना है तो इन दोनों में से सिंगुलर वर्ब कौन सा है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि जिसके साथ एस या ई एस आएगा वो सिंगुलर वर्ब होगा, यानी नाउन का उलट। नाउन में तो जिसके साथ एस या ई एस आ जाए वो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब में जिसके साथ एस या ई एस आ जाए वो सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट था तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, ये नहीं आएगा, आगे सेंटेंस पूरा आ जाएगा।
तो हम किस तरीके से जब हमें सेंटेंस की फॉर्म ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो हमारे लिए उस वक्त आसानी हो जाती है जब हम इन तीन एरियाज़ को सही तरीके से याद कर लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ तीन ही एरियाज़ ऐसे हैं, तीन उसके पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें सिंगुलर प्लूरल होता है, वो होते हैं जी नाउन, दे आर प्रोनाउंस एंड दे आर वर्ब्स। अगर हम इनको देख लें तो फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तो सिंपल सा रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक द सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट विल टेक प्लूरल वर्ब, तो ये बात जो है बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो लिहाजा इनको हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। थैंक यू।